कुम्हारी पुलिस ने नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कपड़ा मार्केट के पास HDFC बैंक ATM काटकर चोरी कर रहे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल हैं। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उनके पास से एक मोटरसाइकिल, गैस कटर समेत अन्य सामानों को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी ATM मशीन को गैस कटर की मदद से काट रहे थे। ATM मशीन में करीब 11 लाख रुपए कैश था। कुम्हारी थाना प्रभारी सुधांशु बघेल और उनकी टीम की कार्रवाई को देखते हुए IG आनंद छाबड़ा ने 10,000 नगद राशि देने की घोषणा की है। रात में 3 बजे कुम्हारी में ATM काटने की कोशिश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। ये गैस कटर से ATM को काट रहे थे। ATM में उस टाइम 11,48,500 रुपये था। जैसे ही सायरन बजा, पुलिस ने घेराबंदी करके इन तीनों को पकड़ा। इनके पास से 3 लाख की बेशकीमती बाइक जो है, बिल्कुल नई बाइक है, बिना नंबर के, उसको जो है जब्त किया गया है। इनके फ़ोन से जानकारी मिली है कि ये 2 निर्माणाधीन घर बना रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ खरीद रखे हैं, महंगी नशा का ये लोग जो है नशा करते हैं और लगातार चोरी के हर जगह करते हैं। एक चोरी और जिसमें बैंक का लॉकर तोड़ने की कोशिश, सिंडिकेट बैंक का लॉकर तोड़ते हुए पकड़े गए थे। नाबालिग होने के कारण उस टाइम ये छूट गए थे। इस बार हमने तीनों अपना नाबालिग क्लेम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट हमने मंगवाया तो एक बालिग मिला है। तीनों को माननीय न्यायालय में, एक को माननीय न्यायालय में, 2 को बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की प्रॉम्प्ट एक्शन से इस बड़ी घटना को रोकने में हम सफल रहे। ये पूरे एरिया कंटिजुअस एरिया है रायपुर दुर्ग का पूरा, और रात में घूम रहे थे क्योंकि रायपुर में ट्रैफिक और जनता ज़्यादा देर तक रहती है, तो उनको सुनसान नहीं मिला। यहाँ पर इन्होंने सुनसान देख के इन्होंने करने की कोशिश की, कहीं भी कोशिश कर सकते थे ये लोग, लेकिन इन्होंने कुम्हारी को टारगेट किया क्योंकि बॉर्डर पर पड़ता है, तो उनको लगा कि पुलिस जो है थोड़ा सा बॉर्डर का फ़ायदा मिलेगा इनको। जनरली इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स जो है वहाँ क्राइम होने के चांसेस रहते हैं हमेशा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और तुरंत इनको पकड़ा गया।